नेतन्याहू के प्रण पर गाजा पट्टी के कई हिस्से अब खंडहर बनते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल युद्ध लड़ रहा है। आसमान से बरसता बारूद गाजा को मलबे में तब्दील कर रहा है। एक तरफ आज भी 7 अक्टूबर को हमास की बर्बरता की गवाही देते कई नए वीडियो आए हैं जो हम आपको दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ आज 5 घंटे के गाजा छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद गाजा में इजराइल का हमला फिर शुरू हुआ। गाजा पट्टी में मची तबाही की चपेट में रोते बिलखते बच्चों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज एक बार फिर इजराइल ने आम नागरिकों को 5 घंटे का वक्त दिया और ये कहा कि वो दक्षिण गाजा की तरफ जाएं और गाजा पट्टी खाली करें, लेकिन यहाँ फंसे लोगों के लिए यहाँ से भागना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, क्योंकि हमास उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाकर उनकी आड़ में हमले कर रहा है। यहाँ तक कि गाजा से लोगों को निकलने से रोकने के लिए हमास ने राह में बम बिछा दिए हैं। हमास has both issued warnings to their civilians not to evacuate, and when people didn't listen to those warnings of Hamas, they have actually stopped civilians and they have stopped convoys of Gazan civilians trying to flee from the जंग खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है और अब गाजा में मची तबाही पर अंतर्राष्ट्रीय संग्राम छिड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को चेतावनी दे दी है कि हमास पर हमला तो सही है, लेकिन गाजा पर कब्जे से दूर रहे इसराइल। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जॉर्डन के नेताओं से मिले ताकि मध्यस्थता का कोई रास्ता निकले। What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake to for Israel to occupy Gaza again. और अब हम आपको दिखाते हैं 7 अक्टूबर के हमास हमले की तस्वीरें जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। सबसे पहले उस पार्टी की तस्वीरें जहां निहत्तों पर टूट पड़े थे बर्बर आतंकी। हमास के आतंकियों की बेहिसाब बर्बरता की तस्वीरें पूरे विश्व को हिला रही हैं। 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया उसकी कीमत चुकाते चुकाते गाजा पट्टी दम तोड़ रही है। देखिए ये तस्वीरें, 7 अक्टूबर की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। पहले आतंकी हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, जब कई महिला सैनिक घायल होकर टेबल के नीचे छिपती हैं तो उन्हें बंदी नहीं बनाते हमास के आतंकी। एक आतंकी कुर्सी हटाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां दागना शुरू कर देता है। घर घर घुसकर हमास के आतंकी बेगुनाहों को बेरहमी से मार रहे थे। ये वीडियो देखिए, बाइक पर सवार होकर कत्लेआम करने आए आतंकी घरों में घुस घुस कर लोगों को ढूंढ कर मार रहे थे।